हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला। आपका हमारा 50 डेज मैट क्रैश कोर्स में स्वागत है। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है पोल्यूशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही होलिस्टिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है, और लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स क्या हैं और उनकी कंजर्वेशन को लेके हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इनके साथ जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं पोटेंशियल, जो इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, एक एक टॉपिक के साथ एक एक एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से डिस्कस करेंगे। आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट विल बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडस रिवर डॉल्फिन, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, एलिफेंट कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल एंड राइनो कंजर्वेशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ये जो स्पीशीज है न्यूज में रहे हैं पिछले 1.5 ईयर्स में, इसके रिलेटेड इनका करंट पोर्शन पढ़ेंगे, और इनके रिलेटेड पहले आने वाले सालों में जो स्टैटिक पोर्शन में जो जो चीजें कवर हुई है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, दैट इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं बात कर रहा हूं बायोडाइवर्सिटी की, तो हमें पता है बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसकी बात करते हैं हम? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें इतना भी पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो मैक्सिमम कहां पे होती है? ट्रॉपिकल एरियाज में या इक्वेटर एरियाज में। सबसे ज्यादा इक्वेटर एरिया में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, और मिनिमम कहां पे होती है? पोल्स में। इतना हमें बेसिक पता है। और अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो तीन तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक डायवर्सिटी, जिसमें जीन्स में वेरिएशन होता है। दूसरी होती है स्पीशीज डायवर्सिटी, जिसमें स्पीशीज में वेरिएशन होता है, लाइक एक टाइगर है, एलिफेंट है, कैट है, रैट है, तो ये क्या है? स्पीशीज डायवर्सिटी। फिर थर्ड एक टाइप की होती है इकोसिस्टम डायवर्सिटी। अगर मैं बात करता हूं इकोसिस्टम डायवर्सिटी की, तो इकोसिस्टम डायवर्सिटी माने डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, एक इक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। फिर टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए। इक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर हो गए, सलाइन हो गए एंड सॉल्ट वाटर हो गए। तो ये हमारी कुछ टाइप्स हो जाती हैं, और ये हो जाती है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बट रिसेंट टाइम्स में कुछ थ्रेट्स फेस करना पड़ा है। किसको? बायोडाइवर्सिटी को। तो अगर मैं थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं, तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, इनडायरेक्ट ड्राइवर्स एंड डायरेक्ट ड्राइवर्स। क्या चीजें हैं? एक तो है इनडायरेक्ट ड्राइवर्स, एंड सेकेंड क्या है? डायरेक्ट ड्राइवर्स। जब मैं इनडायरेक्ट ड्राइवर्स की बात करता हूं, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना, इनडायरेक्ट ड्राइवर से ही डायरेक्ट ड्राइवर्स इंट्रोड्यूस होंगे, और उसकी वजह से इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। जैसे कि आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, ये जितने भी इनडायरेक्ट ड्राइवर्स हैं उनके थ्रू क्या बढ़ रहा है? कंजम्पशन पर कैपिटा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड रिसोर्स इंटेंसिटी बढ़ रही है। मतलब कि हमारी, हमें पता है कि इस तरीके से हमारा आज का माहौल बन चुका है कि हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। कंजम्पशन क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जिसकी वजह से क्या बढ़ती जा रही है? रिसोर्स इंटेंसिटी। उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कि दोनों साइड पे डिमांड फॉर फूड बढ़ रही है और डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ रही है। हमारी बेसिकली क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है। अगर आपको पता हो, जैसे हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कौन थ्रो करता है? WWF। उसके अंदर दो चीजें थी, एक तो था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, दूसरा था लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कह रहा था? कि हमारी डिमांड बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो ये वही चीज है कि हमारी क्या बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है। किसको लेके? फूड को लेके और एनर्जी को लेके। जिसकी वजह से हो क्या रहा है? अगर डिमांड फूड की बढ़ रही है या एनर्जी की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट की ओवरलोडिंग हो रही है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है, इनवेसिव एलियन स्पीशीज का अटैक हो रहा है, और साथ के साथ क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। तो ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट ड्राइवर से कैसे डायरेक्ट ड्राइवर्स इंट्रोड्यूस हुए, और उन सब से ये सब प्रोसेस हुए, लाइक ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट चेंज, पोल्यूशन, इनवेसिव एलियन स्पीशीज एंड क्लाइमेट चेंज। और ये सारे के सारे एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रीब्यूट किसमें कर रहे हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रीब्यूट किसमें कर रहे हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ
रिलेटेड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इनडायरेक्ट ड्राइवर्स क्या है ये? इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस, साइंस एंड टेक। उनकी वजह से हो क्या रहा है? डिमांड फॉर फूड बढ़ रही है, डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो हमारे डायरेक्ट ड्राइवर्स क्या बढ़ रहे हैं, दैट आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोल्यूशन, ओवरलोडिंग एंड क्लाइमेट चेंज, विच इन ऑल इज रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेंस में कहीं क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हो या इस चार्ट को बना सकते हो, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस फेस करना पड़ रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा पहला टॉपिक था, दैट वॉज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, थ्रेट है हमें पता है तो उसको कंजर्व भी तो करना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि थ्रेट है उसको छोड़ देंगे, तो कंजर्वेशन तो उसकी करेंगे ही करेंगे। किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। उससे पहले कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन करते हैं, किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। एक चीज याद रख लेना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डीपीएसपीज है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। डीपीएसपीज किसके अंदर मेंशन है? पार्ट फोर के अंदर मेंशन है, और फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है पार्ट 4A के अंदर। याद रखो, दोनों के अंदर ही क्या बताया गया है कि हमें एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। कैसे? एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन किसके अंदर बता रखी है? आर्टिकल 48A के अंदर, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है इसके थ्रू, और सिटीजन की ड्यूटी किसके थ्रू डाल रखी है? 51AG के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात किसके थ्रू बताई जा रही है? आर्टिकल 48 के थ्रू भी, एंड फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51AG के भी थ्रू। तो पेपर में आपसे पॉलिटी और एनवायरमेंट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स कहां पे प्रोटेक्ट करने की बात करी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, दोनों आर्टिकल्स 48A एंड 51AG, एक डीपीएसपी है, दूसरा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसके चलते हैं मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन की तरफ। अब इसके अंदर बता रखा है कि कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो तरीके क्या है? एक्ट्स एंड पॉलिसीज। एक्ट्स कैसे हो गए? लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974। ये सब चीजें क्या है? ये कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी को, पहली चीज। दूसरा क्या है? सर्वे एंड इन्वेंटराइजेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब पता कैसे चलेगा बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट फेस हो रहा है? तो बेसिकली हमें सर्वे क्रिएट करना पड़ेगा, टाइगर सेंसस करवाना पड़ेगा, एलिफेंट सेंसस करवाना पड़ेगा, क्रोकोडाइल सेंसस करवाना पड़ेगा, डॉल्फिन सेंसस करवाना पड़ेगा, जिससे हमें पता तो चले कि एंड ऑफ द डे क्या सचमुच इनकी पॉपुलेशन कम हुई है या नहीं हुई है, तभी तो हम आने वाले टाइम में कंजर्वेशन एफर्ट्स चला सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो कंजर्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास सर्वे और इन्वेंटरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसके रिलेटेड क्या बना सकते हो? एक्ट्स बना सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चला सकते हो, लाइक इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्व करना हो, जहां पे वो प्रेजेंट है वहीं पे उनकी कंजर्वेशन स्टार्ट करनी हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। अगर आपने ऑन साइट नहीं करना, किसी अलग साइट पे करना है, उनकी नेचुरल हैबिटेट से अलग, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सितु कंजर्वेशन। एक तो हो गया साइट पे कंजर्व कर रहे हैं, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं? इन सितु कंजर्वेशन। दूसरे होते हैं जब हम ऑन साइट नहीं करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्स सितु कंजर्वेशन। उसके अंदर क्या आ जाते हैं? बॉटनिकल गार्डन्स, जूज एंड जीन बैंक्स। फिर इसी के साथ एक चीज हो जाती है जो बहुत ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं, जिनको अपने यूज, अपने फायदे के लिए ह्यूमंस ने बर्बाद कर दिया है, एकदम से उसे काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके एडवांटेजेस बहुत हैं, लाइक मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, पहला काम क्या है? इन्वेंट्री बनाओ, सर्वे क्रिएट करो, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट क्रिएट करो, और ऑन साइट कंजर्वेशन करो या एक्साइट कंजर्वेशन करो। ऑन साइट करने का तरीका क्या है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर इतनी बात? तो नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर रहा हूं नेशनल पार्क की, किसकी बात कर रहा हूं? नेशनल पार्क की। एक साइड पे नेशनल पार्क है, दूसरी साइड पे मैं ड्रॉ करने वाला हूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है। सपोज करो ये एक एरिया है, ठीक है, इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, ये जो मैंने अंदर वाला सर्कल बनाया यहां पे क्या रह रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। सेम इन द केस ऑफ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके अंदर भी क्या है, कुछ लोग रह रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझाने से पहले एक चीज याद रख लेना, नेशनल पार्क कभी भी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं बनाया जाता है। नेशनल पार्क कभी भी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं बनाया जाता, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बना सकते हो। क्लियर है इतनी बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए बना सकते हो, लाइक टाइगर की कंजर्वेशन करने के लिए, एलिफेंट की कंजर्वेशन करने के लिए, तो उस केस में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बन जाएगी, टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व। क्लियर है इतनी बात कि नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं बनाया जाता, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बना सकते हैं। दूसरी चीज, नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, यह मतलब प्रोटेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर ग्रेजिंग, ट्राइबल लोगों का रहना वहां पे अलाउड नहीं है, मतलब वहां पे आप ग्रेजिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, ट्राइबल लोग वहां पे रह नहीं सकते हैं, किसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। बट अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो वहां पे लोग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज अलाउड है। क्लियर है इतनी बात कि नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने ये एक एरिया बनाया, उसके अंदर यहां पे बता दिया कि यहां पे सर्कल बनाया था। सपोज करो सर्कल में लोग रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, इस एरिया में लोग रह रहे हैं, पर नेशनल पार्क के लिए तो हम कहते हैं कि उसके अंदर लोग नहीं रह सकते हैं, ग्रेजिंग एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन लोगों को यहां से शिफ्ट नहीं करेंगे ताकि इस एरिया को डिक्लेयर करने के लिए, हम क्या करेंगे, इस बाकी जो एरिया बचा है, ये वाला एरिया, इस सबको क्या डिक्लेयर कर देंगे, नेशनल पार्क। क्या डिक्लेयर कर देंगे, नेशनल पार्क। बेसिकली जो सर्कल वाला एरिया होगा अंदर वाला, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पार्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। क्यों, क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैंने, मेरे को लगा था एक्टिविटीज अलाउड है, तो ये सारे एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है इतनी बात। तो दो चीजें मैंने बताई कि नेशनल पार्क पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं बनाया जाता, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है, जिसकी वजह से टाइगर रिजर्व हो जाते हैं या एलिफेंट रिजर्व हो जाते हैं। नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए ऐसे वाले एरिया को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, किसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये चीजें अलाउड होती हैं, जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, इस पूरे एरिया को डिमार्केट कर दिया क्या, एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहां पे ग्रेजिंग एक्टिविटीज वगैरह अलाउड है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो मैं सारे मेथड्स करा रहा हूं, ये क्या है, ऑन साइट कंजर्वेशन मेथड्स है। तो अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करता हूं, तो मैं यहां पे तीन सर्कल बना रहा हूं, कंसेंट्रिक सर्कल, एक्सप्लेन करने के लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अंदर वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं कोर एरिया। क्या कहते हैं, कोर एरिया, CORE। ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं बफर एरिया। क्या बोलते हैं, बफर एरिया। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। तो तीन एरियाज मैंने बनाए बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, अंदर वाला एरिया क्या है, कोर एरिया, जो बीच वाला एरिया है वो है बफर एरिया, और थर्ड एरिया क्या है, ट्रांजिशन एरिया। जिस टाइप से मैंने एरियाज बनाए हैं, जिस टाइप से मैंने एरियाज बनाए हैं, उसके हिसाब से एक्टिविटीज वहां पे रेगुलेट होती है। कैसे, जो सबसे वाला एरिया है अंदर वाला, कौन सा, कोर एरिया, मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं, इस कोर एरिया की। इस कोर एरिया में एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही टूरिज्म अलाउड है, ना ही ग्रेजिंग अलाउड है, ना ही लोगों का यहां पे रहना अलाउड है। यहां पे अगर कोई चीज अलाउड है तो साइंटिफिक एनालिसिस अलाउड है। याद रख लेना, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा होता है, कोर एरिया, क्योंकि यहां पे एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, सिर्फ क्या अलाउड होता है, साइंटिफिक एनालिसिस। तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन कब होती है, कोर एरिया के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं इस बफर एरिया में, किसके अंदर, इस बफर एरिया में, यहां पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। लाइक टूरिज्म कराना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, ग्रेजिंग करवानी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर लोगों का यहां पे आपने लोगों की यहां पे टूरिज्म करानी है तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, एक्टिविटीज अलाउड है बट क्या है, रेगुलेटेड है। कोर एरिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, पर ये जो एरिया है यहां पे एक्टिविटीज थोड़ी सी अलाउड है बट क्या है, रेगुलेटेड
है। उसके बाद एक अलग सा एरिया आता है, डेट इज ट्रांजिशन एरिया। ये कौन सा एरिया? ट्रांजिशन एरिया। यहां पे रिलैक्सेशन है, यहां पे लोग भी रह सकते हैं, आप ग्रेजिंग भी करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पे कर सकते हो। किसके अंदर? ट्रांजिशन एरिया के अंदर। ये एरिया बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम कोर को प्रोटेक्ट कर सके। किसको प्रोटेक्ट कर सके? कोर को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब जैसे मैं इनवर्ट्स जा रहा हूं, प्रोटेक्शन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। किसके टाइम पे? बायोस्फीयर रिजर्व के टाइम पे। एज आई एम मूविंग इनवर्ट्स, प्रोटेक्शन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोर एरिया होता है, कोर एरिया के बाद बफर जोन आता है, फिर कौन सा आता है? ट्रांजिशन एरिया। क्लियर है जी इतनी बात? कि तीन तरह से आप ऑन द साइट ही कंजर्व कर सकते हो स्पीशीज को, थ्रू द हेल्प ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक चीज और याद रखना, सपोज करो ये नेशनल पार्क के आसपास का एरिया है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का एरिया है, ठीक है। यहां पे ऑब्वियसली लोग रह सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अलाउड है। पर किसी कारण इन्होंने, इस कम्युनिटी ने जो यहां पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने यहां पे कंजर्वेशन करनी स्टार्ट कर दी। किसकी? इस एरिया की। क्या करनी स्टार्ट कर दी? इस एरिया की कंजर्वेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो अगर ये लोग, कम्युनिटी अगर बोले, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए और बोले कि इस एरिया को क्या कर दो, आप प्रोटेक्टेड एरियाज में काउंट करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? प्रोटेक्टेड एरियाज में काउंट करना शुरू कर दियो। तो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू कम्युनिटी बैक्ड एफर्ट्स कैन अराउंड द एरिया ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन डिक्लेयर इट एज व्हाट? कंजर्वेशन रिजर्व। उसको वो क्या डिक्लेयर कर सकती है? कंजर्वेशन रिजर्व। याद रखना, इस एरिया को क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? कंजर्वेशन रिजर्व, अगर वहां पे कम्युनिटी ने क्या किया है? कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स किए हैं। क्लियर है इतनी चीज? ये तो कंजर्वेशन रिजर्व है, किसके अराउंड आएगा? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास। बट सपोज करो कोई अननोन हमारी पब्लिक लैंड है, अवे फ्रॉम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, कोई कम्युनिटी लैंड है, वहां पे किसी कम्युनिटी ने प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दी किसी पर्टिकुलर फ्लोरा की, तो वो क्या कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या डिक्लेयर कर देगी? कम्युनिटी रिजर्व। क्या डिक्लेयर कर देगी? कम्युनिटी रिजर्व। तो हमारे पास पांच मेथड्स हैं इन सितु कंजर्वेशन के, स्टार्टिंग विद व्हाट? हमारा नेशनल पार्क, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व, फोर्थ कंजर्वेशन रिजर्व एंड फिफ्थ इज द कम्युनिटी रिजर्व। क्लियर है जी इतनी बात? कि थ्रेट्स क्या थे बायोडाइवर्सिटी को? कंजर्वेशन की जब मैंने बात करी तो हमारे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डीपीएसपीज हैं, फिर उसको पूरा करने के लिए हमें पहले एक सर्वे चाहिए, सर्वे के बाद मैं अपने एक्ट चला सकता हूं और ऑन साइट एंड एक्स साइट उनकी कंजर्वेशन कर सकता हूं। क्लियर है जी? नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज और उनके रिलेटेड कौन कौन से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। क्लियर है जी इतनी बात? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन की। किसकी बात कर रहा हूं? जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन की। इंडिया में दो तरह की फ्रेश वाटर डॉल्फिन मिलती हैं, एक जिंजेटिक मिलती है, दूसरी इंडस मिलती है। पहले डिस्कस किसको करते हैं? जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन को। याद रखो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच इज आर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन। क्लियर है जी? पहला पॉइंट जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन के रिलेटेड क्या है? कि ये क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और इसे पॉपुलरली क्या बोलते हैं? सुसु। क्या बोलते हैं? सुसु। ठीक है जी इतनी बात। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जैसे कि टाइगर की कंजर्वेशन के आगे पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया है, उसी लाइंस पे इट इज थिंकिंग ऑफ रनिंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये याद रख लेना, इन्हीं की लाइंस पे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन लेके आना चाह रहे हैं ताकि इस डॉल्फिन को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है जी इतनी बात? अब टोटल 4 फ्रेश वॉटर डॉल्फिन है पूरे वर्ल्ड में। कितनी है? 4 फ्रेश वॉटर डॉल्फिन हैं पूरे वर्ल्ड में। पहली तो हमने पढ़ ली हमारी जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन, दूसरी क्या है? बाईजी, जो बेसिकली पहले यांगत्से रिवर में मिलती थी, अब वो क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दूसरी अभी मैंने डिस्कस किया इंडस रिवर डॉल्फिन, जो बेसिकली उसे क्या बोलते हैं? भूलान। याद रख लेना, पहली वाली बाईजी थी, दूसरी वाली क्या है? भूलान, जो इंडस में मिलती है। एंड थर्ड इज बोटो, दैट इज फाउंड इन अमेज़न रिवर। क्लियर है दिमाग? तो जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, सरकार प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाना चाह रही है उसी लाइंस के ऊपर, और बेसिकली अगर जिंजेटिक रिवर डॉल्फिन है तो ये पाई कहां पे जाएगी? गंगा रिवर सिस्टम के आसपास। कहां पे मिलेगी? गंगा रिवर सिस्टम के आसपास, एंड इट इज फाउंड ओनली इन रिवर्स एंड लेक्स। क्लियर है इतनी बात? अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने
प्रे को कैच कैसे करते हैं? तो याद रखना ये ब्लाइंड होती हैं, ये यूज क्या करती हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। किसको यूज करती हैं ये? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज करती हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। क्लियर है जितनी बात कि पहली बात तो चार फ्रेश वाटर डॉल्फिन थी जिसमें से एक इंस्टिंक्ट हो चुकी है, दो हमारे सिस्टम में पाई जाती है गंगा और इंडस में, और एक कहां पे पाई जा रही है? अमेजॉन रिवर बेसिन के अंदर। क्लियर है। और इसी के लाइंस के ऊपर टाइगर के ऊपर प्रोजेक्ट टाइगर जैसे हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन। नेक्स्ट, अगर मैं इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूं तो याद रखना पेपर में क्वेश्चंस इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा आते हैं कि इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। तो तीन चार चीजें होती हैं प्रोटेक्शन के रिलेटेड। एक तो IUCN में उसका क्या स्टेटस है, इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसका क्या स्टेटस है, या साइट्स के अंदर वो कौन सी लिस्ट में। तो ये तीन चीजें आपको पता हो तो आप क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्टिकुलरली 7-8 स्पीशीज हैं जिनके आपको इस डेटा को आपको रट्टा मारना है, उसको आपको क्या करना है, क्रैम करना है। तो याद रख लो IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। साइट्स के अंदर याद हो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था साइट्स क्या होती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अंदर क्या है स्टेटस, अपेंडिक्स 1 के अंदर है, मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या है, इट इज ऑल्सो अंडर शेड्यूल 1, मतलब जब कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आ जाए तो अगर उसको उसने हार्म पहुंचाया है तो उसके लिए मैक्सिमम पेनल्टी है, उसके लिए क्या है, मैक्सिमम पेनल्टी है। तो IUCN के अंदर इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसके अंदर है, शेड्यूल 1 के अंदर। अब हर साल गंगा रिवर डॉल्फिन का सेंसस होता है। इस सेंसस को कवर कौन करता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया इन कोलैबोरेशन विद उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्लियर है जी बात कि पहली बात हमारा सेंसस होता है, एनुअल होता है गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसस। पहले क्या करते थे, हम डायरेक्ट काउंटिंग करते थे किसकी, डॉल्फिन्स की। बट इस बार इन्होंने एक चेंज लाया, पेपर में पूछा जा सकता है कि इस बार का जो एनुअल रिवर्स गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसस हुआ है उसमें चेंज क्या था, उसमें चेंज क्या था कि हमने यूज क्या किया, टैंडम बोट सर्वे मेथड। याद रख लेना हमने डेटा कौन सा यूज, हमने मेथड कौन सा यूज किया है, टैंडम बोट सर्वे मेथड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट काउंटिंग मेथड। इसके अंदर बेसिकली हम सोनार वेव्स को, सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करके वो उनकी काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किनकी, डॉल्फिन्स की। क्लियर है जी इतनी बात कि गंगा रिवर डॉल्फिन क्या होती है, कहां पे पाई जाती है गंगा रिवर सिस्टम में, IUCN स्टेटस क्या है उसका, और अपेंडिक्स में किसके अंदर है, साइट्स के अंदर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसमें है। क्लियर है जी इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं हम इंडस रिवर डॉल्फिन के अंदर, किसके अंदर, इंडस रिवर डॉल्फिन के अंदर। अगर उसका भी स्टेटस क्या था, इंडेंजर्ड, और इसका स्टेटस भी क्या है, इंडेंजर्ड, तो याद करना बड़ा सिंपल हो जाएगा कि गंगा रिवर डॉल्फिन एंड इंडस रिवर डॉल्फिन का दोनों का स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। अभी मैंने बताया था ये भी क्या है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। क्लियर है इतनी बात। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। तीसरी चीज मैंने बोला ये इंडस डॉल्फिन है तो ऑब्वियसली कहां पे पाई जाएगी, इंडस रिवर सिस्टम में। कहां पे पाई जाएगी, इंडस रिवर सिस्टम में। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो एक इंडस रिवर में पाई जाती है और एक ब्यास रिवर में पाई जाती है। बट जो ज्यादा अमाउंट है ये कहां पे पाई जाती है, इंडस रिवर इन पाकिस्तान। अगर जो ब्यास में पाई जाती है बहुत छोटे स्ट्रेच में पाई जाती है, सिर्फ 185 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर हमें मिलती है इंडस डॉल्फिन इन ब्यास रिवर। क्योंकि ये ब्यास रिवर में मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसे क्या डिक्लेयर कर दिया है, इंडस डॉल्फिन को स्टेट इक्वेटिक एनिमल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये हमारा क्या है, स्टेट इक्वेटिक एनिमल है। किसका, पंजाब का, इंडस डॉल्फिन। क्या स्टेटस है, इंडेंजर्ड। ये भी क्या है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन। क्लियर है जी इतनी बात। तो हमने डॉल्फिन के बारे में डिस्कस किया, वन वॉज द गंगा रिवर डॉल्फिन एंड सेकेंड वन वॉज द इंडस रिवर डॉल्फिन। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। पहली स्टेटमेंट क्या है, डॉल्फिन्स हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेकेंड, द जेंजेटिक रिवर डॉल्फिन कैन लिव ओनली इन फ्रेश वाटर, आर ब्लाइंड एंड कैच देयर प्रे इन अ यूनिक मैनर यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। थर्ड, पंजाब हैज डिक्लेयर्ड जेंजेटिक डॉल्फिन एज इट्स स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहली मैंने बताया किसके अंदर है, शेड्यूल 1 के अंदर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। सेकंड मैंने बताया था गंगेटिक रिवर डॉल्फिन ब्लाइंड होती है, कैसे प्रे को कैच करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पंजाब ने गंगेटिक डॉल्फिन को नहीं, इंडस डॉल्फिन को डिक्लेयर किया है क्या, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो सही आंसर क्या है, 1 एंड 2। तो सही आंसर हमारा क्या है, 1 एंड 2। क्लियर है।
आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अगर एक फैक्ट में मिस हो जाए ना तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के थ्रू हम कोशिश करेंगे ऐसे सभी फैक्ट्स को क्लियर कर दें और उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन पढ़ लें, तो आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं चीता के ऊपर, क्लियर है तिमार। अब देखो, जैसे जैसे हमें पता है कि कोई स्पीशीज इंडेंजर्ड है, खतरे में, तो उसके रिलेटेड सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाए। उसी बेसिस पे चीता के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट चीता। याद रख लेना, ईयर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था 2009 के अंदर, जिसके अंदर हमने बोला था चीतास को क्या किया जाएगा, ट्रांसलोकेट किया जाएगा। कुछ साइट्स को सिलेक्ट करा गया जिसके थ्रू हमने बोला कि हम इनको क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे। अब एक चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है पिछले साल, जिसमें हमने बोला कि नमीबिया से अफ्रीकन चीता हम इंडिया में ट्रांसलोकेट करेंगे। नमीबिया से हमने क्या लेके आना है, अफ्रीकन चीता लेके आना है, जिसे हम क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे। बट नमीबिया से पूछने से पहले हमने ईरान से पूछा था, जिसके अंदर स्पेसिफिकली एक वैरायटी मिलती है चीते की, जिसे हम क्या बोलते हैं, एशियाटिक चीता। याद रख लेना, ईरान में ही मिलता है क्या, एशियाटिक चीता सिर्फ, और वो IUCN के अंदर कहां पे है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर। तो हमें कहां पे मिलता है ये एशियाटिक चीता, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और कहां पे मिलता है, ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान ने हमारी रिक्वेस्ट को खत्म कर दिया। तो हमने कहां से ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, अफ्रीका से, और वहां पे हम ट्रांसलोकेट करके कहां पे उसे प्लेस करने वाले हैं, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। तो याद रख लेना, अफ्रीका से रीइंट्रोडक्शन हो रही है चीते की, जो पहले ही हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च है, प्रोजेक्ट चीता 2009 में, और एशियाटिक चीता कहां पे मिलता है, ईरान में, जो बेसिकली क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और अगर मैं अफ्रीकन चीते की बात करूं, वो क्या है, वल्नरेबल। क्लियर है इतनी बात। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीते के बीच में। अगर IUCN स्टेटस देखे, अफ्रीकन का क्या है, वल्नरेबल, एशियाटिक का क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर। साइट्स के अंदर बात करें, दोनों ही क्या, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ अपेंडिक्स वन के अंदर। अगर हैबिटेट की बात करें, क्योंकि वल्नरेबल है, इसका मतलब इसकी सफिशियंट क्वांटिटी अभी भी है, बट क्योंकि ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इसके क्या है, लेस देन 50 स्पीशीज, जो कहां पे पाए जा रहे हैं, सिर्फ ईरान में। और अगर फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखे जाए, अफ्रीकन चीता बड़ा है एज कंपेयर टू वॉट, एशियाटिक चीता। क्लियर है जितनी बात। पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है डिफरेंस क्या है एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में, सीधा पूछ लेंगे IUCN स्टेटस को लेके, उनके नंबर्स को लेके और उनके साइज को लेके। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो बड़े ही इजीली। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ, कि एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तीन को बेसिक डिस्कस करेंगे। वन इज द प्रोजेक्ट एलिफेंट, सेकेंड इज माइक प्रोग्राम, याद रखो हमने साइट्स के अंदर इसे पढ़ा था। नेक्स्ट इज द एशियन एलिफेंट अलायंस 2015। तो तीन चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, माइक प्रोग्राम एंड एशियन एलिफेंट अलायंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट से। देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट को पढ़ने से पहले याद रख लेना, हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है कौन सा, एलिफेंट, जिसे 2010 में स्टैंडिंग कमिटी और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बाद रिकमेंडेशन के बाद इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन, नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है, एलिफेंट। क्लियर है जी। अगर हमारे यहाँ पे एलिफेंट मिल रहा है तो कौन सा एलिफेंट मिलेगा, एशियन एलिफेंट मिलेगा। कौन सा एलिफेंट मिलेगा, एशियन एलिफेंट। तो अगर हम बात करें अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स में, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है वो वल्नरेबल है, और जो एशियन एलिफेंट्स वो क्या है, इंडेंजर्ड है। किसमें, IUCN में। याद तक देखना, अफ्रीका के जो स्पीशीज है वो वल्नरेबल मिलेंगे एज कंपेयर टू व्हाट, एशियाटिक, कोई भी स्पीशीज के रिलेटेड। तो एशियन एलिफेंट कौन सा है, इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन एलिफेंट क्या है, वल्नरेबल। अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, सेम, इनको क्या है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, क्योंकि हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, तो हमने क्या किया है, इसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1। अगर मैं एशियाटिक लायन की बात, एलिफेंट की बात करूं, तो हमारे पास तीन वैरायटीज हैं, इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। याद रख लेना, तीन वैरायटीज हैं, इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया, इट वॉज लॉन्च इन 1992। इसमें करेंगे क्या, बेसिकली जिन स्टेट्स में एलिफेंट है उन्हें हम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो एलिफेंट को उनकी हैबिटेट्स में प्रोटेक्ट कर सके। क्या कर सके, एलिफेंट्स को उनकी हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर सके, उनके लिए कॉरिडोर्स बना सके, एलिफेंट रिजर्व बना सके, मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर सके, और बेसिकली क्या कर सके, एलिफेंट की ओवरऑल कंजर्वेशन कर सके।
तो प्रोजेक्ट एलिफेंट करने की कोशिश क्या कर रहा है, ए स्पेसिफिक रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एलिफेंट रिजर्व, या एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है जो डेडिकेटेड पाथ होंगे जहां पे सिर्फ मूव कौन करेंगे, एलिफेंट्स, ताकि उनका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सके, कम हो सके। और जो हमारा एशियन एलिफेंट है वो क्या है, बेसिकली इंडेंजर्ड है एज कंपेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट जो क्या है, वल्नरेबल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कहां पे आता है, शेड्यूल वन के अंदर। क्लियर है इतनी बात। अब आप देख सकते हो एलिफेंट कॉरिडोर्स अगर हम इंडिया में लें, टोटल 100 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं क्या, बेसिकली दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड दैट अलाउज एलिफेंट्स टू मूव फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। क्लियर है जी इतनी बात। जहां जहां पे हमारे बेसिकली एलिफेंट्स पाए जाते हैं वहां वहां पे हमने बेसिकली क्या बनाने की कोशिश करी है, एलिफेंट कॉरिडोर्स। अब हमने याद करो साइट्स के अंदर एक प्रोग्राम चलाया था, सीओपी हुई थी, जिसके थ्रू डिसाइड किया गया था कि एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, दैट इज माइक प्रोग्राम। माइक प्रोग्राम में क्या था कि इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को क्या करा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। जो भी एलिफेंट रेंज कंट्रीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी अगर क्या उनके एरिया में इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये माइक प्रोग्राम किसके थ्रू आया था, साइट्स के थ्रू आया था। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल अलायंस होता है जिसका नाम पड़ता है एशियन एलिफेंट अलायंस। याद रख लेना क्या अलायंस का नाम पड़ता है, एशियन एलिफेंट अलायंस, जो लॉन्च किया जाता है 2015 में। कहां पे लॉन्च किया गया, 2015 में। बेसिकली ये जो अलायंस है पांच एनजीओ का एक अम्ब्रेला है। क्या है, इट इज एन अम्ब्रेला ऑफ फाइव एनजीओ। यहां पर आप देख सकते हो इनके नाम, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद क्या है, इसका मकसद है कि हमें फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है किसका, वाइल्ड एलिफेंट्स ऑफ इंडिया का। क्यों, क्योंकि पूरे एलिफेंट जितने भी एशिया में पाए जाते हैं उसके हाफ पॉपुलेशन कहां पे पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। तो बेसिक प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, एशियन एलिफेंट अलायंस का, ताकि वहां पे इंडिया के अंदर एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि इंडिया के अंदर एलिफेंट की डेथ्स के कारण कुछ मेजर हैं, लाइक पोचिंग, पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक्यूशन एंड ट्रेन एक्सीडेंट्स। इन्हीं चीजों से बचाने के लिए, कि एलिफेंट को बचाया जा सके, उसकी संख्या को बचाया जा सके, क्या लॉन्च किया गया था, एशियन एलिफेंट अलायंस। कौन से ईयर में, 2015। क्लियर है इतनी बात कि एलिफेंट को लेके क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, फिर माइक प्रोग्राम आया था, और देन क्या आया है, एशियन एलिफेंट अलायंस। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द लेमरू एलिफेंट रिजर्व एम टू रिड्यूस मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इज प्रपोज्ड टू बी सेटअप इन झारखंड। कह रहे हैं कि एक एलिफेंट रिजर्व आ रहा है कहां पे, झारखंड में। प्रोजेक्ट एलिफेंट वो लॉन्च इन 1973। एशियाटिक एलिफेंट्स हैव बीन गिवन स्टेटस वल्नरेबल। तो इसमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। याद रखना पेपर में बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है कि पूछा क्या गया है। यहां पे क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट बताना है। ए ऑप्शन 1 एंड 2, बी 1 एंड 3, सी 2 एंड 3, डी 1 2 एंड 3। पहली स्टेटमेंट की तरफ चलें तो ये जो रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड की बात करूं ये भी इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये कहां पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कब हुआ है, 1992 में, 1973 में तो हुआ नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत। और एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल नहीं है, क्या है, इंडेंजर्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। क्लियर है इतनी बात कि अभी तक हमने तीन पढ़े हैं, चीता रीइंट्रोडक्शन, एलिफेंट कंजर्वेशन एंड सबसे पहले डॉल्फिन्स के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो उसके रिलेटेड जो जो चीजें हम पढ़ेंगे दैट विल बी प्रोजेक्ट टाइगर, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, T-2, एम स्ट्राइप्स एंड टाइगर सेंसस। ये चीजें हुई हैं किसको लेके, टाइगर कंजर्वेशन को लेके। सबसे पहले हमारी कंट्री ने टाइगर, क्योंकि हमारा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, ठीक है, नेशनल एनिमल है, तो हमने क्या किया है, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया ताकि अपने टाइगर को कंजर्व कर सके इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। उसके लिए हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो बेसिक याद करो, जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व कराया था अभी, किसके ऊपर चली है, कोर बफर स्ट्रेटजी में, के कोर के अंदर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन और बफर में थोड़ा सा अलाउ की जाएगी पीपल की मूवमेंट। और ये टाइगर लॉन्च कब किया गया, 1973 में। एक चीज और याद रख लेना, ये जितनी भी स्कीम्स आई है ना प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। क्या है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 किसके ऊपर वर्क कर रहा है, कोर बफर स्ट्रेटजी आई कब है, और ये बेसिकली क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, NTCA का, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वॉज गिवन द फंक्शंस एज अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये बनाई कब गई थी, 2005 के अंदर, थ्रू टाइगर टास्क फोर्स, जो के किसके थ्रू आया था, प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू एक टाइगर टास्क फोर्स आया था जिसने क्या बनाई थी, NTCA, दैट इज NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब टाइगर्स कोई
प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि हमें जो जो मेजर टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वहां पे हमें क्या करना है, टाइगर को एक्सटिंक्शन से बचाना है। उसी के रिलेटेड एक टाइगर इनिशिएटिव बनाया गया 2008 में, जिसका नाम क्या पड़ गया, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जिसका मेन काम क्या था कि हमें वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटिंक्शन से बचाना है। और 2013 में इन्होंने उसके अंदर किसको इंक्लूड कर लिया, स्नो लेपर्ड्स को। क्लियर है इतनी बात? तो बेसिकली टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, रशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में से कौन सी है जिन्होंने क्या शुरू किया है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में, ताकि हम वर्ल्ड टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकें। और 2013 में हमने इसके अंदर किसको इंक्लूड कर दिया था, स्नो लेपर्ड्स को। क्लियर है इतनी बात? अब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की एक मीटिंग हुई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पे हुई, सेंट पीटर्सबर्ग में। वहां पे एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया। एक बात बोलेगी कि हमें क्या चलाना है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। बेसिकली जहां जहां पे टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, जो हमने अभी बताई है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, वहां वहां पे हमें क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। कितने से, 3200 से 7000 तक लेके आना है बाई 2022। तो सीधी सी चीज है, T2 इनिशिएटिव कहां पे आया, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन होती है जिसमें ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है और जिसमें बोला जाता है कि हमें नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स को इंक्रीज करना है फ्रॉम 3200 टू 7000 बाय 2022। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछी जा चुकी है यूपीएससी में। एक ऐप लॉन्च करी गई थी 2010 में बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो सीधी सी बात है, ये किसको मॉनिटर कर रही है, टाइगर्स को मॉनिटर कर रही है। किसको मॉनिटर कर रही है, ये टाइगर्स को मॉनिटर कर रही है, उनकी सर्वेलेंस बढ़ा रही है। बेसिकली किस काम के लिए, जो हमारा क्या है, इंडेंजर्ड है क्या, बंगाल टाइगर। क्लियर है सबके पास? तो सबके पास जो फॉरेस्ट गार्ड्स होंगे उनके पास एक जीपीएस सिस्टम होगा, डेटल सिस्टम होगा, जिसकी इस ऐप के थ्रू वो उसकी क्या कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, किसकी, टाइगर्स की। क्लियर है इतनी बात? अब याद रखना कि हमने अभी पढ़ लिया है प्रोजेक्ट टाइगर, ग्लोबल टाइगर अलायंस, T2 एंड M स्ट्राइप्स। उसी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइगर सेंसस। हर 4 साल बाद NTCA करवाती है, याद रख लेना। टाइगर के लिए जो एपेक्स बॉडी कौन सी है, NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो हर 4 साल बाद टाइगर का सेंसस होता है। पहला सेंसस कब हुआ था, 2006 में। लास्ट सेंसस कब हुआ है, 2018 में। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, 2967। तो पहली चीज याद रख लेना, पॉपुलेशन कितनी आई है, 2967। दूसरी चीज, इस बार का जो टाइगर सेंसस हुआ है, इसने पहली बार एक ऐप को यूज किया है अपने सेंसस में, दैट इज M स्ट्राइप्स ऐप, ताकि इंफॉर्मेशन काउंटिंग की वो स्टोर कर सके। अभी मैंने बताया था कि M स्ट्राइप्स ऐप कब इंट्रोड्यूस करी गई थी, 2010 में, पर यूज कब की गई है, पहली बार 2018 के टाइगर सेंसस में। दूसरी चीज, अब हमने काउंटिंग के लिए पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी इंक्लूड किया है। पहले कभी भी हमने प्रीवियस सेंसस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंक्लूड नहीं किया, इस सेंसस में हमने उनको भी इंक्लूड किया है। और थर्ड चीज, पहली बार हमारी 3 नेबरिंग कंट्रीज ने हमारी काउंटिंग में हेल्प करी है, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश ने। क्लियर है जितनी बात? तो 4 टाइगर सेंसस में M स्ट्राइप्स ऐप यूज हुई है, नॉर्थ ईस्ट को कवर किया गया है और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश ने हमारी मदद करी है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NTCA। पहला, इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड इन 2006 फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर्स एंड फंक्शंस असाइन्ड टू इट अंडर द सेड एक्ट। ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इट इज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज सेटअप अंडर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या गया, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? तो आंसर क्या है, C1 and 2। क्लियर है जी? तो अभी ये था हमारा रिलेटेड टू व्हाट, टाइगर कंजर्वेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। जैसे कि चीता प्रोजेक्ट 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो स्नो लेपर्ड के लिए एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है 2009 में। स्नो लेपर्ड बेसिकली 5 हिमालयन स्टेट्स के अंदर मिलता है, डाटा JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है इतनी बात? अगर हम इंडिया के अंदर बोले तो IUCN के अंदर इसे किस में रखा गया, वल्नरेबल के अंदर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसके अंदर है, Schedule 1 के अंदर। याद रख लेना, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल IUCN एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसमें है, Schedule 1 के अंदर। दूसरी चीज,
साइट्स और सीएमएस कन्वेंशन, जो कि क्या है, बॉर्न कन्वेंशन। ये दोनों में इसमें कहां पे आता है, अपेंडिक्स वन में, मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। तो स्नो लेपर्ड 5 हिमालयन स्टेट्स में पाया जा रहा है, आईयूसीएन में वल्नरेबल है, साइट्स और सीएमएस में अपेंडिक्स वन में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन के अंदर है। और इसके लिए प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 2009 के अंदर। ये तो है इंडिया के रिलेटेड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। बाकी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसको कंजर्व करने के लिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है, नेशनल हेरिटेज एनिमल ये पाकिस्तान का है, हमारा एक नेशनल प्रोटोकॉल आने वाला है टू इन्यूमरेट स्नो पॉपुलेशन, लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। दूसरी चीज, अब 12 टाइगर स्नो लेपर्ड कंट्रीज हैं जहां पे ये बेसिकली पाया जाता है। वो कंट्रीज कौन सी हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इन्होंने मिलके आपस में एक फोरम बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम में आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो ये सभी कंट्रीज क्या है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम के अंदर आती हैं। इसी को लेके ये बेसिकली बिश्केक के अंदर एक डेक्लेरेशन हुआ था जहां पे बोला गया था कि हमें इस स्पीशीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किसको, स्नो लेपर्ड को। तो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिश्केक डेक्लेरेशन किसके रिलेटेड है, तो बिश्केक डेक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, हमारा स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के रिलेटेड। और इसी के रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट चलाया गया था, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। क्लियर है जितनी बात कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, आईयूसीएन में क्या है, अपेंडिक्स साइट्स ऑफ सीएमएस के किधर आता है, और ये इसका ग्लोबल टाइगर फोरम में, स्नो लेपर्ड फोरम में कितनी कंट्रीज है, और बिश्केक डेक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा क्या गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड। पहला, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन आईयूसीएन लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, बिल्कुल करेक्ट। इट इज स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान, अभी देखा, बिल्कुल करेक्ट। एंड बिश्केक डेक्लेरेशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज एंड इट्स एनवायरमेंट, बिल्कुल करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है जी। तो पेपर में इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे पेपर से एक बार पहले, मेरे ख्याल से आपके सारे एस्पेक्ट स्पीशीज को लेके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्रोकोडाइल स्पीशीज को लेके। अगर मैं क्रोकोडाइल स्पीशीज की बात कर रहा हूं इंडिया के अंदर, तो तीन तरह के पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियाल। कौन कौन से पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियाल। तो सबसे पहले बात करता हूं मगर की। किसकी बात करता हूं, मगर की। मगर को बेसिकली इंडियन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थ्रू आउट पाया जाता है। याद रख लेना इनके आईयूसीएन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है मगर का, वल्नरेबल। क्या है, वल्नरेबल। और ये बेसिकली क्या है, एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है। आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं, बेसिकली लेक्स, रिवर्स एंड मार्शेस के अराउंड पाया जाता है। क्या, हमारा मगर। मगर क्या है, बेसिकली हमारा फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं घड़ियाल। पहली मगर होगी, दूसरा क्या है, घड़ियाल। इससे हम क्या बोलते हैं, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। उसका स्टेटस क्या था आईयूसीएन में, वल्नरेबल। इसका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर। क्लियर है। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो ये बहुत ही कम एरिया में पाया जाता है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, घड़ियाल। थर्ड है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये लिविंग रेप्टाइल्स में सबसे बड़ा है और आईयूसीएन में इसका स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। मतलब इसको इतना खतरा नहीं है, डेंजर है, जितना कि घड़ियाल और मगर को है। और उसमें भी सबसे ज्यादा किसको है, घड़ियाल को, क्योंकि वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये बेसिकली थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में ये भटरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरबंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसके क्या है, प्राइम हैबिटेट्स हैं। किसके, इस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के। और उड़ीसा एक ओनली स्टेट है जिसमें तीनों स्पीशीज पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए कि कौन सी स्टेट है जिसमें तीनों वाटर स्पीशीज पाए जाते हैं क्रोकोडाइल के, दैट इज घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्लियर है जितनी बात। जो हमारा मगर है वो बेसिकली फ्रेश वाटर है, घड़ियाल हमारा फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर हमारा क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के रिलेटेड, जैसे टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट, लेपर्ड के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, चीता के लिए प्रोजेक्ट चीता, क्रोकोडाइल के लिए भी प्रोजेक्ट चला था, नेशनल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1975। पहले इसके अंदर इन्होंने बात करी थी कि हम किसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर को, बट धीरे धीरे मगर को भी इन्होंने इनके अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो बेसिकली जो हमारा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसमें तीनों वैराइटीज को कवर किया गया है, मगर, घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर। और इसके थ्रू जो फंड्स चाहिए होते हैं वो कहां से आते हैं, यूएनडीपी एंड एफएओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है इतनी भी बात। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मगर क्रोकोडाइल. पहला, दीज आर नेटिव टू फ्रेश वाटर हैबिटेट्स फ्रॉम सदर्न ईरान एंड पाकिस्तान टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड श्रीलंका. बिल्कुल ठीक है, अभी हमने बताया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. सेकंड, दिस हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है. जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था वो कौन सा था? घड़ियाल था. तो पूछा क्या गया, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट. तो आंसर क्या है? वन ओनली. आज के लास्ट स्पेशीज की तरफ चलते हैं, दैट इज सुमात्रन राइनो. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि टोटल राइनो के 5 स्पेशीज हैं वर्ल्ड में, ब्लैक, व्हाइट, ग्रेट वन हॉर्न, जावन एंड सुमात्रन. जो आखिरी 3 है, ये तीनों क्या है? एशियन राइनोज है. कौन से हैं? एशियन राइनोज जो एशिया के अंदर पाए जाते हैं. इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, जो जावन एंड सुमात्रन है वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड. याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. और जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये क्या है? वल्नरेबल. ग्रेट वन हॉर्न क्या है? वल्नरेबल. क्लियर है इतनी बात? ग्रेट वन हॉर्न क्या है? वल्नरेबल. और जावन एंड सुमात्रन क्या है? हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड. अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रेट वन हॉर्न राइनो की, तो ये इंडिया में जो पाया जाता है सिर्फ ग्रेट वन हॉर्न राइनो पाया जाता है. और ग्रेट वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता, वो बाकी जगहों में भी पाया जाता है, बट इंडिया के अंदर सिर्फ राइनो में से कौन सा मिलता है? ग्रेट वन हॉर्न राइनो. क्लियर है इतनी बात? तो याद रख लेना कि जब हम राइनो की बात कर रहे हैं तो ग्रेट वन हॉर्न है, ब्लैक है, व्हाइट है, जावा है, सुमात्रा है. इंडिया के, एशिया के अंदर जावन, सुमात्रन एंड ग्रेट वन हॉर्न. इंडिया में कौन सा पाया जा रहा है? वन हॉर्न. पर वन हॉर्न सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता, बाकी जगह पे भी पाया जाता है. अभी बात किसकी चल रही है? सुमात्रन राइनो की. सुमात्रन राइनो की बेसिकली क्या हो चुका है? इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. क्यों? क्योंकि इसके स्पीशीज की संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. दैट इज अ वरी. अब इंडिया के अंदर बेसिकली एक राइनो प्रोजेक्ट चला था, राइनो विजन 2020. याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे लॉन्च किया गया था 2005 में, जिसका मेन काम क्या है कि हमें पॉपुलेशन को 3000 तक लेके आना है. किसकी? वन हॉर्न राइनो की, क्योंकि यही पाए जाते हैं इंडिया में ओवर द टाइम पीरियड बिटवीन 2020. क्लियर है इतनी बात? तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो विजन किसके लिए था? कि पॉपुलेशन ऑफ राइनो को हमें 3000 तक लेके आना है एटलीस्ट बाय 2020. और हमारे जो प्रोजेक्ट के लिए काम चला इतना अच्छा चला कि आज जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन 3600. कितनी है? 3600. और बेसिकली हमने ट्रांसलोकेट किया राइनोस को कहां पे? प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असम के अंदर. कहां पे किया? प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असम, लाइक काजीरंगा, मनास एंड पवित्रा नेशनल पार्क. क्लियर है जी इतनी बात? इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देर आर 3 स्पीशीज ऑफ राइनोज इन इंडिया, वन हॉर्न, जावन एंड सुमात्रन. बिल्कुल करेक्ट है. ऑल द 3 स्पीशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ये गलत है क्योंकि सिर्फ दो ही हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दैट आर जावन एंड सुमात्रा. थर्ड स्टेटमेंट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोज आर फाउंड इन इंडिया काजीरंगा नेशनल पार्क. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 and 3 करेक्ट है, 2 गलत है. सही आंसर क्या हुआ? 1 and 3. क्लियर है जी? तो ये था हमारा रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. इसकी ऑर्गेनाइजेशन पिछली वीडियो में कवर कर ली थी. इसमें डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसको थ्रेट्स क्या है, और उसको कंजर्वेशन को लेके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वेरियस स्पीशीज को लेके. क्लियर है जी? आई होप आप वीडियोस को देख रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.